दोस्तों आप सभी को पता होगा कि iOS VOS V10 थीम बहुत ही मोस्ट पॉपुलर थीम है जो कि MIUI 10 पर यूज की गई, पर MIUI 11 आने पर ये थीम कॉम्पेटेबल नहीं हो रही थी। पर इसके जो डिजाइनर हैं उन्होंने इसका वर्जन, अभी लेटेस्ट वर्जन निकाला है iOS VOS V11, जिसमें आपको सारी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसी के बारे में मैंने बात की है इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है इस थीम में, iOS थीम में जो कि MIUI 11 पर परफेक्टली वर्क कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का वॉलपेपर है, आइकन्स काफ़ी कमाल के हैं, बिल्कुल iOS स्टाइल में आपको आइकन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर चूंकि ये iOS V10 थीम का ही एक लेटेस्ट वर्जन है तो सारे फीचर्स आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। इसे MI थीम ऐप पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, iOS VOS V11 करके आप सर्च करेंगे तो ये थीम आपको दिखेगी। आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए और इसे अप्लाई कर लीजिए। वैसे ऑफिशियल थीम स्टोर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में ही आपको एप्पल के वॉलपेपर भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वॉलपेपर अच्छा नहीं लगता है तो और भी वॉलपेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। अभी देखिए इस थीम में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए यहां पर स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आपको कम्प्लीटली लुक चेंज नज़र आएगा, बिल्कुल iOS स्टाइल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको iOS VOS V10 थीम में देखने को मिलता था वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है। सेटिंग्स में जाने पर भी आपको देखिए बिल्कुल iOS स्टाइल में ही यहाँ पर सेटिंग वाला एरिया दिखता है। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखता है iOS 13 अबाउट फोन सिस्टम अपडेट में जाने पर। और अगर हम बात करें इसके हर सेक्शन की, सेटिंग की हर कैटेगरीज की, तो उसमें बिल्कुल आपको iOS स्टाइल देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर डायल पैड की, तो डायल पैड भी बिल्कुल आपको iOS स्टाइल का मिल जाता है। मैसेजिंग भी आपको iOS स्टाइल की देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको आईफोन में देखने को मिलती है। अब बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन पर एक डिफरेंट सा वॉलपेपर आपको मिल जाता है और काफ़ी कमाल का लगता है। बात यहाँ पर एक आपको क्लॉक विजिट मिल जाती है टॉप पर, और यहाँ बॉटम में आपको लेफ्ट पर टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है। राइट में आप देखेंगे तो आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा। डबल टेप करेंगे तो आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से मीडिया प्ले बैक वाला ऑप्शन। और यहाँ अगर हम बात करें ऊपर से नीचे की तरफ, अगर आप लॉक स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर से नीचे हम जैसे ही स्वाइप किया तो आपको कंट्रोल सेंटर दिख जाता है, जो कि काफ़ी मतलब iOS स्टाइल वाला ही है और यहाँ पर कोई देखने में कमी नहीं है। सारे फीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि कैलकुलेटर को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, टॉर्च है, रिंगर है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, हर चीज़ का कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में मीडिया प्लेबैक, कॉल, कैलेंडर, सेटिंग्स, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और ऐसी अमेजिंग iOS वाली थीम जो कि फुली सपोर्टेड है MIUI 11 के लिए, उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेके आता रहता हूँ। सो टेक केयर फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।